हमसे कोई भी क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वो इजीली आंसर दे रहे हैं। हमारे जो पर्टिकुलर जो बच्चे होते हैं मतलब रेगुलर जो स्कूल जाते हैं बच्चे, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिए उनको 20 टाइम्स हो देंगे वन प्लेस पे या टेन में कितने प्लेस पे उनको 20 टाइम्स हो देंगे 10 टाइम्स हो देंगे। आई थिंक हमें भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, हम भी नहीं आंसर दे पाएंगे इतनी जल्दी कि 540, 630, 22, 45, 85, 95 10 टाइम्स इन 20 टाइम्स को मोर देन 20 टाइम्स को बोले तो बच्चे इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनको कैलकुलेटर की या नोटबुक या पेन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, हमें भी पड़ेगी, हम भी इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एबेकस के स्टूडेंट्स हैं हमारे, इसी चीज़ को वो आपको 10 सेकेंड्स में और 20 सेकेंड्स में इसका आंसर देंगे। एबेकस का ये नहीं है कि हमारी मदद से कैलकुलेशन ही फास्ट होगी, इससे हमारे जो और ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं पेरेंट्स के साथ मोस्टली एक प्रॉब्लम ये जरूर आती है कि बच्चों के एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन कराना उनको, उनके अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी मैथ्स या जो लर्निंग सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें बच्चों का मोस्टली ये प्रॉब्लम रहती है कि आज हमने लर्न किया, 10 दिन बाद एग्जाम्स हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। तो एबेकस का ऐसा ही नहीं है कि उनसे मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स तो हमारे से स्ट्रॉन्ग होती ही है और क्योंकि एबेकस में बहुत सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमारी लिसनिंग पावर फोटोग्राफिक मेमोरी वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बट हम लोग सभी 100 वर्कर होते हैं मोस्टली, सभी लोग एक ही हाथ से काम करते हैं, बच्चे भी हमारे एक ही हाथ से काम करते हैं, बट एबेकस में हम बच्चों को दोनों हाथों से बंडी में लाते हैं उनको, जिससे हमारे पास सभी आते हैं कि हमारे पास जो साइड हमारे साथ होते हैं